हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 9। मैथिला ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर ऋतुदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रीति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रीति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रीति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रीति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से दो जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति तेरा होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के साप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रीति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रीति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रंजशंकर करनी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रीति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रीति भी अब भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की शक्ति गंगा में स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व काल में ही यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगीं कि क्या करूं। तब पिता हिमावान ने उन्हें अपने घर ले आया। पार्वती जी ने शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध होकर मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगीं। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बड़ा सहर्ष व तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी ने सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर उन्हें अपने में दृढ़ देख बोले, हे वृद्धे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। यह सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पति के यज्ञ में शरीर का त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव को दे चुका हूँ, अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियों तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि छह मृतका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया।
इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छता से हिमाचल के शिखर पर सहस दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हैं तब तू प्रकट हो, उनके सम्मुख चले जाना जिससे वह पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामरी शिवाजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गई जिससे वरस्तहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई, रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे धर्मुते, इस सखुलती वीर को जो दुस्सतु ग्रहण कर तेरे मुख में त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि के मुँह में वीर छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर के उदार में प्रवास होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कह दिया, जिससे देवताओं को वीर के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव हो कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेज में वीर बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय ना हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग लिए महाशयमिनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के तेज इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव भर कर रहा है वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं होता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना कर गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्याप्त गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उधार एवं गर्भ को त्याग दिया जो सर्पतों में गिरा, जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कार्तिकेय आईं, उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरस्कार कर 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पर पार्वती के स्थानों से दूध की धार ढड़कने लगी। तभी विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से आकस्मिक स्थानों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर रसकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर अनेक 6 भाग हो जाना तथा मृतकाओं को दृढ़ कर देने का वर्ता सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देखकर तेरे स्तनों में से दूध टपकने लगा है, इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तात्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गईं। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा तो मैंने तेरे सामने कही है, इसे नित्र प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुष्प होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी संग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बैसाख मास में किए गए दान पुण्य का हमें लाखों गुना फल प्राप्त होता है।
यहाँ हमारे वैशाख मास महत्तम का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।